इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम इस चैनल पर एक लर्निंग सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा भारत के चार सबसे बड़े अवार्डों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो अवार्ड है, भारत में जो सबसे बड़ा अवार्ड है, भारत रत्न है। उसके अलावा पद्म विभूषण है, फिर पद्म विभूषण का नंबर आता है, एंड देन पद्मश्री। तो यार, सबसे पहले मैं बता दूं, भारत रत्न, तो भारत रत्न जो है वो हमारे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। और हमारे देश के पहले जो भारत रत्न है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि यह किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो यह कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और राजेंद्र प्रसाद को जो भारत रत्न मिला था, वो 2 जनवरी 1954 को मिला था। और सबसे युवा भारत रत्न जो है हमारे देश के, वो सचिन तेंदुलकर है। और खेल के क्षेत्र में भी सबसे पहले भारत रत्न उन्हीं उन्हीं को मिला है। पद्म विभूषण की बात करें तो भारत सरकार का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार एवं पद्मश्री का सबसे बड़ा अवार्ड है, जिसे 1954 में दिया गया था सबसे पहले। भारत रत्न के बाद ये दूसरा प्रतिष्ठित सम्मान है, ये आप सभी को पता है। और इसके बाद जो अवार्ड है पद्मश्री का, वो पद्म भूषण है, जो सबसे पहले 1954 में इसकी स्थापना हो गई थी। और ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, पद्म श्री का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि ये जो पुरस्कार है, ये भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। वहीं थर्ड जो पद्म श्री का पुरस्कार है, वो पद्म श्री है, जो कई क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे कि कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, सार्वजनिक जीवन आदि क्षेत्रों में दिया जाता है। और ये भारत का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है। और इस टाइप की अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली जितनी भी जानकारी, जितनी भी इंफॉर्मेटिव जानकारी, वो आपको तुरंत मिल सके। और आगे भी हम इस टाइप के जो इंपॉर्टेंट्स वीडियो, जो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में काम आने वाले हैं, आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, उसमें आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।